अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही मज़े की रेसिपी। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्लैक पेपर से बनने वाली कलेजी की रेसिपी। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, ज़्यादा नमक नहीं खा सकते, ज़्यादा रेड चिली नहीं खा सकते, तो आप उनके लिए बनाएं ब्लैक पेपर की कलेजी, जो बहुत ही मज़े की तैयार होती है। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, पैन में आपने ऑयल ऐड कर लेना है। ऑयल ऐड करके अब हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अब हम अदरक लहसुन के पेस्ट को थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर तक फ्राई करने के बाद साथ ही हमने इसमें क्या करना है, 3 से 4 अदरक प्याज लेने हैं, वो ऐड करेंगे। और टमाटर लेंगे 2, आपने इसमें टमाटर ऐड करने। प्याज और टमाटर दोनों हमें साथ ही इसमें ऐड कर देने हैं, ताकि जो हमारे टमाटर है इसमें अच्छी तरह से गल जाए प्याज के साथ ही। अब थोड़ी देर के लिए इनको फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। प्याज और टमाटर को हमने इसमें अच्छी तरह से भून लिया है। अब क्या करेंगे, इसमें 1/2 टेबल स्पून के बराबर ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। 2-3 चुटकी के बराबर हमने इसमें हल्दी ऐड करनी है। नमक आपने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो आपने इसमें नमक बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। अब आपने इसको कम से कम 5 मिनट तक पकाना है अच्छी तरह से। थोड़ी देर तक हमने मसाले को अच्छी तरह से भून लिया। अब क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे कलेजी। कलेजी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब आपने क्या करना है कि 10 मिनट तक कलेजी को इसी मसाले में भूनना है। हमने इसको 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है। देखिए, हमने इसको इतना भूना है कि साइड पर जो हमारा ऑयल निकल आया हुआ है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 1/2 ग्लास पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब आपने इसको मीडियम आंच पर पकाना है। कम से कम आप इसको 8 मिनट तक पकाएं, 8 से 10 मिनट। तो इधर माशाल्लाह से देखिए, हमारी बिल्कुल ब्लैक पेपर से जो हमने कलेजी तैयार की थी, वो कितनी मज़े की तैयार हो गई है। तो अब हम इसको एक प्लेट पे डालते हैं। तो इधर माशाल्लाह से हमारी ब्लैक पेपर की कलेजी बिल्कुल तैयार हो गई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।